क्लास 12th में केसी डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ आज हमको आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। समाकलन का 19.1 चैप्टर, 19.1 चैप्टर नंबर 19.1 मैथ का नाम है केसी सिन्हा, क्लास 12th और समाकलन। पहला क्वेश्चन इसमें है कॉस 2x dx। इसको हमका इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। अब देखिए आपको और सारे पता होना चाहिए, साइन का, कॉस का, टेन का, सेक का और कोसेक का, ये सब का आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन बनाने से पहले हमको इसे फॉर्म में लाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे कॉस 2x है, लेकिन हमको केवल कॉस एक्स का पता है कि साइन एक्स होता है। तो इसको कॉस एक्स के फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2x दिया हुआ है, इसका डिफरेंशियल पहले निकालेंगे, इसका डिफरेंशियल हो क्या रहा है। तो 2x बराबर मान लीजिए t, 2x बराबर देखिए पुट 2x बराबर टी, दो कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट, एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है डी एक्स, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स और टी का डिफरेंशियल डी टी। हमको डी एक्स का मान निकालना है, तो डी एक्स बराबर लिखेंगे डी एक्स बराबर डी टी बटे, यहाँ पे दो है तो दो चला जाएगा, तो डी एक्स बराबर क्या आ गया डी टी बटे दो। अब सिंपली हमको क्या करना है, आई इक्वल टू, आई लेते हैं हमेशा इंटीग्रेशन के लिए, आई इक्वल टू कॉस का कॉस लिखेंगे, लेकिन 2x की जगह पे हमने क्या लिया है टी, तो टी लिखेंगे कॉस टी। और डी एक्स का मान कितना आया है, डी एक्स का डी टी बटे दो, डी टी बटे दो, डी एक्स का आया है डी टी बटे दो, तो डी टी बटे दो लिखेंगे, लेकिन जो दो है वो कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को क्या करेंगे बाहर कर देंगे, तो 1/2 यहाँ पे हो गया कॉस टी और डी टी। 1/2 लिखेंगे, अब क्या करेंगे कॉस टी है, तो कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, उसी तरह कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी हो जाएगा, साइन टी प्लस कॉन्स्टेंट लगाना है, क्योंकि ये लिमिट वाला इंटीग्रेशन नहीं है, लिमिट वाला जब इंटीग्रेशन देना है तो उसमें बनता है तो उसमें कॉन्स्टेंट नहीं लगाया जाता है, लेकिन ये बिना लिमिट वाला है इसलिए इसमें कॉन्स्टेंट लगा देंगे। अब सिंपली हमको क्या करना है कि t का जो हमने मान रखा था पहले वैल्यू पुट किया था उसको यहाँ पे लिख देना है, तो 1/2 साइन t का मान कितना था दो, तो 2x लगा देंगे प्लस c लगा देंगे, तो हमारा cos x cos 2x प्लस cos 2x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ में क्वेश्चन नंबर 2 19.1 चैप्टर 19.1 साइन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन 2x dx का इंटीग्रेशन करना है, साइन 2x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो हम आपको इसको अपने फॉर्म में लाए कि जैसे साइन एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स हो जाए या टेन एक्स हो जाए, मतलब उसमें 2 और 3x ना आए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2x दिया हुआ है 2x, तो इसको ऐसा करेंगे कि ये साइन साइन एक्स या साइन टी या साइन डी के फॉर्म में आ जाए, जिसको करने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पे 2x है तो पुट लिखेंगे और 2x को मान लीजिए टी, 2x को 2x बराबर टी। अब क्या करेंगे, दो जो है कॉन्स्टेंट है तो दो को दो लिखेंगे, एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है डी एक्स, तो डी एक्स का डी एक्स लिखेंगे, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स होता है तो डी एक्स लिखेंगे, और फिर यहाँ पे क्या है टी, तो टी एक्स का डिफरेंशियल टी का डिफरेंशियल डी टी होता है तो डी टी लिख देंगे। हमको सिंपली क्या चाहिए डी एक्स का मान, सिंपली हमको क्या चाहिए डी एक्स का मान, तो आप क्या करेंगे लिखेंगे डी एक्स बराबर यहाँ पे डी टी है तो डी टी दो है तो यहाँ पे बटे में दो, बस हमारा अब आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, आई इक्वल टू साइन 2x, यहाँ पे 2x है लेकिन हमने 2x को क्या माना है t, तो यहाँ पे t लिख देंगे, और dx है तो dx का मान कितना है dt बटे दो, dt बटे दो, हमारा जो दो है कांस्टेंट है तो ये क्या आ जाएगा समाकलन से बाहर आ जाएगा, तो dt बटे दो है मतलब 1/2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बच गया sin t dt। अब देखिए आई इक्वल टू 1/2 लिखेंगे और साइन टी साइन एक्स का डिफरेंशियल साइन
साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी, साइन टी का माइनस कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट लगाएंगे। आई इक्वल टू वन बटे टू, माइनस है तो यहाँ पे पहले माइनस ले ले, और कॉस टी का मान कितना है, टी का मान 2x है तो 2x लिख देंगे प्लस सी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दो का आंसर इतना आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको अलग क्वेश्चन बनाना, इसका तीन नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तीन नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है e पावर 2x का, e पावर 2x, तीन नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है e पावर 2x का, तीन नंबर e पावर 2x dx, e पावर 2x dx। तो देखिए e पावर x का इंटीग्रेशन होता है e पावर x ही, e पावर x का इंटीग्रेशन करें या डिफरेंशियल करें उतना ही आता है। तो ऊपर में क्या है 2x है, तो हमको e पावर x के फॉर्म में इसको बनाना है, तो 2x जो ऊपर में पावर लिखा है उसको उतना बराबर t माने। आप क्या करें कि 2 का 2 लिखें और x का डिफरेंशियल क्या होता है dx, तो dx लिख देंगे बराबर t का डिफरेंशियल dt, तो dt लिखेंगे। अब सिंपली हमको क्या करना है, जो dx दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जो dx दिया हुआ है dx का मान हमको निकालना है। इस फॉर्मूले से हमको dx का मान निकालना है, तो यहाँ पे dx का dx लिख देंगे और लास्ट में क्या है dt, तो dt लिखेंगे। यहाँ पे दो गुणा में उधर जाएगा तो बटा दो हो जाएगा, तो dx का मान कितना आ गया dt बटे दो। अब i इक्वल टू लिखेंगे e पावर 2x को हमने क्या माना है t, तो t लिखेंगे, और dx का मान कितना है dt बटे दो, तो dt बटे दो लिख देंगे। अब देखिए dt बटे दो है मतलब जो दो दिया हुआ है कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, तो 1 बटे टू बाहर हो जाएगा, इसमें क्या बच गया e पावर t और dt, क्योंकि दो जो है वो बाहर निकल गया है। 1 बटे टू का 1 बटे टू लिखेंगे और e पावर t dt, e पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है e पावर x का इंटीग्रेशन होता है e पावर x, तो सेम e पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e पावर t प्लस कॉन्स्टेंट लगा देंगे, तो 1 बटे टू e पावर t है तो t का मान कितना है 2x, तो 2x लिख देंगे प्लस c, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।